नमस्कार जी, मैं हूं बीनू शर्मा, आप देख रहे हो तेज पंजाब न्यूज़। आए दिन कोई ना कोई नई पार्टी बनती है, पर आज एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी। इस खास मौके पे मेरे साथ उनके हेड हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। TR वेंकटेश जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि नई पार्टी जब बनती है तो क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, क्या क्या उनके जो काम होते हैं वो होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वेंकटेश जी, जो नई पार्टी बनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या सोच के नई पार्टी बनाई है? अभी इलेक्शन टाइम है, ये इलेक्शन अभी आया था, ये पंजाब में तीन चार महीना पहले से इलेक्शन का ये एटमॉस्फेयर है। लेकिन पहले हम जो रिटायरमेंट लिया था 2018 में, तो 2018 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 28 ईयर सर्विस है, हम लिया था वो पार्टी बनने के लिए। उस समय हम ये पंजाब वगैरह नहीं सोचा था, सिर्फ नया पार्टी बनना है। हमारा तरफ से कुछ पॉइंट्स है जो अभी सेवा करने के लिए हमारा मकसद है, कुछ पॉइंट्स ले लिया, उस मकसद से जाना चाहता है, इसलिए हमने नया पार्टी खोलाया। इसके बाद हम सोचा था पूरा जहाँ भी जाओ, हमारा भारत है, अपना भारत है, और हमारा जो भी जनता अपना साथ, हमारा भारत है। नाम है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी, ये क्या इलैबोरेट करता है, मतलब डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे? इतनी सारी पार्टीज हैं, कैसे कंपटीशन मैदान में आपने नई पार्टी को उतारा? बीजेपी भी है, अकाली दल भी है, आप भी है, कांग्रेस भी है। जी, ये हमारा पार्टी में पहले से नाम है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड इसीलिए भारत में, अभी पहले हम बताया मीटिंग में, हर जगह ये क्षेत्रीय भवन चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय भवन होने तो जो अभी 1947 में हम लोग आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस है, हम लोग यूनाइटेड रहना चाहते हैं, इसीलिए वो यूनाइटेड होना चाहिए, तो ये राष्ट्रीय भवन ज़रूरी है। तो आपने अभी इलेक्शन के, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल स्पिरिट है, नेशनलिज्म स्प्रेड करना है अमंग द पीपल है। तो अभी इलेक्शन के आसपास ही क्यों नई पार्टी बनाई, इससे पहले क्यों नहीं आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है कि नई पार्टी लेके आ सकते हैं, इलेक्शन के आसपास ही? जी, ये तो अभी तो नया नहीं है, क्योंकि फरवरी 2020 में फॉर्म किया था, सो अभी तो एक साल हो गया, लेकिन ये कोरोना के वक्त से डिले हो गया था, और 14 जनवरी 2021 में रजिस्टर हुआ था, कंप्लीशन हो गया था, टोटल रजिस्टर होकर सर्टिफिकेट आ गया था। इसके बाद फरवरी 8 2021 में फ्लैग हो। देश का माहौल है, कई किस्म की घटनाएं हो रही हैं, अभी BSF की भी ताज़ा घटना है जो उन्होंने हाल ही में, कल राघव चड्ढा ने बोला इसके बारे में, और जो निहंग सिख ने एक युवक की हत्या की है, इन दोनों घटनाओं के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, अभी तक ये तो मुझे वो अभी नहीं, इसके बाद अभी तो कुछ नहीं मालूम है, अभी हम नहीं, टोटल स्टडी नहीं किया था, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कह पाएगा। नई पार्टी है, नई जिम्मेवारी है, नई चुनौतियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैदान में इतनी पार्टियाँ हैं, तो कैसे आप उनका, लगता है आपको कंपटीशन उनका आप फेस कर पाओगे? जी, अगर पार्टी अगर पुराना नया वो तो अलग बात है, पार्टी तो जो भी पार्टी है डिपेंड होता है प्रजा की मदद से, अगर जनता मदद दिया वो छोटा पार्टी भी बड़ा हो जाएगा, नहीं देना तो बड़ा पार्टी भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे लोगों का सरकार से भरोसा जो उठ चुका है, नई पार्टी अपने बनाई है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर आप खरे उतर पाओगे, और जो देश के मामले हैं, मसले हैं, वो हल कर पाओगे? सॉरी, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। जो अभी प्रॉब्लम चल रही हैं देश में, लोगों का भरोसा उठ चुका है सरकार से, विश्वास उठ चुका है, अभी उन्हें किसी सरकार पे भी ट्रस्ट नहीं रहा है, तो आप नई पार्टी लेकर आपको लगता है कि आप पे लोग जो इजीली है वो ट्रस्ट कर पाएंगे आसानी से, और देश के जो मसले हैं, मामले हैं, दिक्कतें, वो आप सुलझा पाओगे? श्योर, क्योंकि हमको उम्मीद है जनता तो ज़रूर आदर करेगा, क्योंकि जो भी है पहले हम उन लोगों से मिलने, तो उन लोगों को परिचय हो जाएगा, कौन है, कहाँ से आया, ये लोग कैसा चल रहे। आजकल तो हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो भी हर चीज़ जनता को ईजी मालूम पड़ जाता है। वो लोग स्टडी करने तो उन लोगों का 15-20 दिन अगर नहीं तो एक महीना में उन लोगों का मालूम हो जाता है, अगर ये लोग सही लोग हैं, सही ढंग से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को अच्छी तरह मालूम हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती करेगी आपके लिए? चुनौती तो वो फ्यूचर की इश्यू है, क्योंकि अभी पहले जनता के साथ लेना है, जनता अगर साथ है तो हर जगह जा सकते हैं। ये थे मेरे साथ TR वेंकटेश, जिनका कहना है कि नई पार्टी है, नई उम्मीद है, नई चुनौतियां हैं, और उनको लगता है कि उनको पूरा भरोसा है कि नई पार्टी अपना काम सही तरीके से करेगी, और लोगों का भरोसा उन पे, जैसे लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है, पर इस पार्टी के जरिए लगता है उनको कि भरोसा लोगों पर बनाया जा सकता है। बने रहिए तेज पंजाब न्यूज़ के साथ।